हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज हमारे पास है ASUS की तरफ से आने वाला ZenBook 2020। और गाइस ये लेटेस्ट ZenBook है जो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी स्लिम है। और इसमें आपको देखने मिलता है Ryzen 7 प्रोसेसर, 16GB का रैम और कई सारे और स्पेसिफिकेशन। तो डायरेक्टली हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइज ये है उसका एक्चुअल बॉक्स। यहाँ पे ASUS ZenBook के ब्रांडिंग दी है और यहाँ पे आपको दो लाइंस देखने मिलते हैं। मतलब ये लैपटॉप इतने लेवल तक स्लीक है और काफ़ी बढ़िया ब्रॉन्ज एम्बॉसिंग आपको देखने मिलती है। और बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे उसका मॉडल नंबर UM425i और यहाँ पे आपको LCD स्क्रीन देखने मिलती है 14 इंच की फुल HD LCD। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है AMD का Ryzen 7 4700U प्रोसेसर, उसी के साथ 512GB की NVMe Express की SSD यहाँ पे आपको देखने मिलती है, 16GB का DDR4 RAM आपको देखने मिलता है और कई सारे स्पेसिफिकेशन है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। और राइट हैंड साइड में उसकी MRP और वारंटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन है। यहाँ पे MRP है 1,04,990 रुपीज, बट ये आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगा 90,000 रुपीज की प्राइस में। तो अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके, सो गाइस काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग यहाँ पे ASUS ने प्रोवाइड की है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। यहाँ पे वो एक्चुअल लैपटॉप पॉप होता है लिटरली, तो इसे हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। ओ भाई, काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप यहाँ पे आपको देखने मिलता है, तो इसे फिलहाल मैं रखता हूँ साइड में। उसी के साथ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ पेपर वर्क। और यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में आपको देखने मिलता है 65 वॉट्स का पावर ब्रिक। और गाइज यहाँ पे दो एक्स्ट्रा केबल्स प्रोवाइड किए, एक है टाइप सी टू 3.5mm जैक का और दूसरा है टाइप ए टू लैंड केबल। सो गाइज इसमें आपको 3.5mm का जैक भी देखने नहीं मिलता, लैंड पोर्ट भी देखने नहीं मिलता। सो ये एडिशनल एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ये ला पोपट बना दिया, कुछ है ही नहीं, खाली कंपार्टमेंट है। सो गाइज यहाँ पे आपको एक सीक्रेट कंपार्टमेंट देखने मिलता है, इसे हम मिस आउट करने वाले थे। तो इसे कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको स्लीव्स देखने मिलती है इस लैपटॉप की। और प्लस यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्लीव्स देखने मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे टेक्सचराइज मटेरियल यूज़ किए, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लेदर का फिनिश देखने मिलता है। ASUS की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्लीव्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और गाइस दैट्स इट, बॉक्स में आपको यही सारी चीज़ें देखने मिलती है। सो गाइज ये है वो एक्चुअल लैपटॉप। यहाँ पे ASUS ZenBook 14 लिखा है, यहाँ पे अप टू 22 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलती है, फुल IO पोर्ट्स आपको इसमें देखने मिलते हैं, फेस लॉगिन का ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो स्टिकर को हम रिमूव करते हैं, स्टिकर ने थोड़े बहुत स्टेन्स यहाँ पे छोड़ दिए हैं, खैर कोई बात नहीं, उसे हम क्लीन करेंगे। काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने मिलती है। ASUS की ब्रांडिंग यहाँ पे दी है सर्कुलर डिज़ाइन में। यहाँ पे आपको कुछ शेड्स देखने मिलते हैं और इसे हम ओपन करते हैं। ओके, और इसका जो ट्रैक पैड है वो भी काफ़ी यूनिक किस्म का है, तो इसके ऊपर का जो प्रोटेक्टर है हम उसे भी रिमूव करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो AMD Ryzen 4000 सीरीज, AMD के Radeon ग्राफिक्स आपको देखने मिलते हैं, Microsoft Office 2019 इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर, जैसे कि ये है सिर्फ और सिर्फ 1.13 kg का अल्ट्रा थिन डिज़ाइन और कई सारे और फीचर्स है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो यहाँ पे हमने कर दिया था इसे पावर ऑन, सारी चीज़ें इसमें सेटअप कर दिए और पिछले एक दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स इसके कवर करते हैं। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भाई काफ़ी सुपर्ब आपको देखने मिलती है। स्लिम डिज़ाइन है, 14.3mm थिन डिज़ाइन आपको देखने मिलते हैं, 1.13 kg का ये लैपटॉप है, काफ़ी लाइट वेट है और पाइन ग्रे कलर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो गाइस बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी सुपर्ब और लाइट वेट ये लैपटॉप है। प्लस इसमें आपको अर्गो लिफ्ट भी देखने मिलता है, तो ऑलमोस्ट 3 degrees तक ये जो लैपटॉप है ये अर्गो लिफ्ट यहाँ पे हो जाता है, जो काफ़ी बढ़िया हो जाता है आपको टाइपिंग के लिए या फिर आपका टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके पोर्ट्स की तरफ, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है फुल साइज HDMI पोर्ट, उसी के साथ आपको दो USB टाइप सी पोर्ट देखने मिलते हैं।
और दूसरी तरफ आपको देखने मिलता है USB-A थर्ड जनरेशन और उसी के साथ आपको माइक्रो एसडी कार्ड का रीडर देखने मिलता है। सो गाइस पोर्ट्स के मामले में काफ़ी लिमिटेड पोर्ट्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, हालांकि फुल साइज HDMI उन्होंने इंक्लूड किए और जैसे मैंने आपको बताया था अनबॉक्सिंग के टाइम पे उन्होंने LAN केबल दिए यहाँ पे जो टाइप सी से कनेक्ट होता है। सो उसका जो एक्सटेंशन है वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। 3.5mm का जैक देना चाहिए था हालांकि उन्होंने, बट यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंशन दिया है टाइप सी टू 3.5mm का जैक। सो वो एक बड़ी डील नहीं है यहाँ पे। सो अभी बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले और ये H2H डिस्प्ले है और इसके अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 250 प्लस निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसमें देखने मिलता है। और बढ़ते इसके कीबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया कीबोर्ड देखने मिलता है। H2H उन्होंने कीबोर्ड को यहाँ पे प्लेस किया है और यहाँ पे जो नीचे का टच पैड है वो भी काफ़ी बढ़िया साइज में आपको देखने मिलता है और उसके अंदर आपको बैक लिटेड नम पैड भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो ऑन द गो अगर आपको ओपन करना है नम पैड तो बस आपको एक बटन क्लिक करना है और बैक लिटेड नम पैड यहाँ पे ओपन होगा और उसी के साथ यहाँ पे जेस्चर आपको देखने मिलता है। तो जैसे आप राइट साइड में स्वाइप करते हो यहाँ पे जो कैलसी है वो ओपन हो जाता है, तो ऑन द गो कैलकुलेशंस आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। और जी हाँ गाइज, इसका जो कीपैड है वो आपको बैक लिटेड कीपैड देखने मिलता है 3 ब्राइटनेस एडजस्टमेंट मोड के साथ एंड इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी डिसेंट सी ब्राइटनेस आपको देखने मिलती है। और बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है Ryzen 7 का 4700U प्रोसेसर, उसी के साथ 16GB का DDR4 RAM आपको देखने मिलता है, 512GB की SSD आपको देखने मिलती है जो है NVMe Express की SSD और इसका जो RAM है वो सोल्डर्ड RAM आपको देखने मिलता है, तो आप इसे बेसिकली अपग्रेड नहीं कर सकते। और अगर मैं इसके ग्राफिक्स की बात करूँ तो जी हाँ, इसमें आपको AMD के Radeon ग्राफिक्स इनबिल्ट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गेम्स इसमें खेले जैसे कि GTA 5 हो गया या फिर Valorant गेम हो गया, काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे थे। मुझे इनिशियली तो अभी तक कोई भी लैग यहाँ पे महसूस नहीं हुआ है, हालांकि ये गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप नहीं है बट गेमिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हैंडल कर लेता है। और बढ़ते इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ जो है ASUS का माई लिंक एप्लीकेशन। सो माई लिंक एप्लीकेशन की हेल्प से आपका एंड्रॉयड या फिर iOS डिवाइस है उसकी स्क्रीन आप डायरेक्टली लैपटॉप पे मॉनिटर कर सकते हो या फिर उसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप का स्क्रीन मॉनिटरिंग करना है आपके फ़ोन के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पे काफ़ी आसानी से कर सकते हो और प्लस आपके फ़ोन के ही हेल्प से आप विंडोज़ को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो रिमोटली। सो गाइस ये काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन फंक्शन यहाँ पे ASUS ने प्रोवाइड किया है माई लिंक ऐप के जरिए। फिर हम बात करेंगे इसके कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है IR बेस्ड कैमरा जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लो लाइट परफॉर्मेंस देता है और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी आती है। फेस ट्रैकिंग आपको छोटा बहुत देखने मिलता है इसमें अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो इसकी हेल्प से, और भाई इसका जो फेस अनलॉक सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो IR है कंटिन्यूसली फ्लैश होता है और लो लाइट कंडीशन में भी आपका लैपटॉप काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं इसके साउंड की तरफ, सो इसमें आपको देखने मिलता है 2 डाउन फायरिंग स्पीकर जो पार्ड है हर्मन एंड कार्डन ऑडियो के साथ और यहाँ पे जो स्पीकर का आउटपुट है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब ऑन एन एवरेज विंडोज़ लैपटॉप का जो आउटपुट साउंड होता है उससे काफ़ी बढ़िया इसका साउंड लगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस लैपटॉप की डिज़ाइन है उससे जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एम्पलीफाई होकर आपको सुनाई देता है। तो अभी आप सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी। और फिर हम बढ़ते इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ जो है बैटरी, तो इसमें आपको देखने मिलता है 67 वॉट आवर्स की बैटरी जो आपको अप टू 22 आवर्स तक लास्ट करेगा और अगर आप हैवी यूसेज कर रहे हो यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट आपको 10 टू 12 आवर्स तक लास्ट करने वाला है। सो गाइस बैटरी के मामले में काफ़ी सुपर ये डिवाइस है और अगर आप ऑन द गो हो और आपका चार्जर भूल जाते हो जो आपको 65 वॉट्स का फास्ट चार्जर देखने मिलता है फिर भी आप इसे चार्ज कर सकते हो आपके नॉर्मल पावर बैंक की हेल्प से। जी हाँ, आपने सही सुना, पावर बैंक की हेल्प से भी आप इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। हालांकि उतना फास्ट चार्ज नहीं होगा, स्लो चार्ज होगा, बट जी हाँ पावर बैंक की हेल्प से आप इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। एंड गाइस दैट्स इट, यही एक ओवरव्यू था इस ASUS के ZenBook लैपटॉप का।
और गाइस काफ़ी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, और इसकी जो कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी सुपर्ब है। वाईफाई 6 आपको इसमें देखने मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया आपको इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है, और Ryzen 7 इसमें प्रोवाइडेड है, डेडिकेटेड GPU आपको इसमें देखने मिलता है। सो गाइस ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप है, और ये जो लैपटॉप की सीरीज है ये स्टार्ट होती है 63,000 रुपीज़ की प्राइस से, और ये स्पेसिफिक मॉडल आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगा 90,000 से लेकर 95,000 रुपीज़ की प्राइस में। सो अगर किसी को इस लैपटॉप को परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।